जहां दोस्तों टीम इंडिया को मिला जडेजा जैसा घातक ऑलराउंडर और अब बांग्लादेश की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा फैन है और टीम इंडिया को मुश्किल हालातों में सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर है या नहीं? आपका राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वनडे सीरीज में 2-1 से मिली हार के बाद टीम इंडिया की निगाहें अब टेस्ट में हिसाब बराबर करने पर रहेगी। भारतीय टीम में रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जैसे मुख्य खिलाड़ी इंजरी के कारण इस सीरीज का घर बैठे देखेंगे। सीरीज से बाहर चल रहे स्टार खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की मुश्किलों और भी बढ़ा दिए हैं। और ऐसे में भारतीय टीम ने खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के तौर पर रविवार को कई नामों का ऐलान किया है और इसमें स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के भी रिप्लेसमेंट का नाम है। तो दोस्तों कौन करेगा जडेजा को रिप्लेसमेंट? बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा टीम में वापसी करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले तक वो पूरी तरह से फिट नहीं हो सके हैं और ऐसे में रविवार को बीसीसीआई ने उन्हें और रेस्ट का फैसला किया है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के नंबर वन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह कौन लेगा, ये अभी तक साफ नहीं हो सका है। और इस समय एक नाम जो उनकी जगह टीम के प्लेइंग 11 में बुधवार को खेल सकता है, इस सीरीज के लिए जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर सौरभ कुमार को शामिल किया गया है। सौरभ कुमार ने अपने शानदार प्रदर्शन के दाम पर टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई है। बांग्लादेश ए के खिलाफ सौरभ का कमाल। सौरभ कुमार ने हाल ही में इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच खेले गए टेस्ट मैचों की दोनों इनिंग का मिलाकर कुल 9 विकेट लिए थे। सौरभ कुमार ने अपनी प्रदर्शन के दम पर सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है और टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच शुरू होने से पहले ही टीम मैनेजमेंट और कप्तान केएल राहुल जडेजा की जगह इस खिलाड़ी का नाम पर जरूर विचार करेंगे और उनके फर्स्ट क्लास करियर पर एक नजर डालें तो उन्होंने 54 मैचों में 237 विकेट अपना नाम किए हैं और वहीं उनके नाम 2 शतक भी शामिल है। इसमें पहले उनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है। जडेजा की इंजरी से हुआ टीम इंडिया को नुकसान। रविंद्र जडेजा की इंजरी के कारण टीम इंडिया को अब तक काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। एशिया कप से दौरान जटिल हुए जडेजा की गैर मौजूदगी में भारत को एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप में एक परफेक्ट ऑलराउंडर की कमी महसूस हुई है। अब जडेजा टीम में कब वापसी करेंगे ये कह पाना मुश्किल हो गया है। जडेजा मौजूदा समय में दुनिया के नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सौरभ कुमार जडेजा जैसे खेल पाएंगे या नहीं? आपका राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको आज की न्यूज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।